बीमारी की चपेट में देश के कई राज्य, पंजाब के लुधियाना में डेंगू के 1500 और यूपी के इलाहाबाद इलाके में डेंगू के 400 मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू से इस साल अब तक 302 लोगों की मौत, 325 मरीज अस्पताल में भर्ती। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ आज से एक्शन शुरू, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हुआ। ईपीसीए की दिल्ली वासियों से अपील, कहा 1 से 10 नवंबर तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, बच्चों को बाहर नहीं निकलने की सलाह। मेट्रो ने भी 21 नई गाड़ियां चलाई। एलपीजी सिलेंडर फिर महंगा हुआ, सब्सिडी वाला सिलेंडर 2.94 रुपए और गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ। 5 महीने में छठी बार दाम बढ़े, गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर 880 रुपए का हुआ। दिल्ली में 200 जजों की भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली हाई कोर्ट से कहा अगर आप भर्तियां नहीं कर सकते तो हम इसे आपसे लेकर सेंट्रलाइज्ड बना देंगे। बीजेपी के खिलाफ नए समीकरण बनाने में जुटे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मिलेंगे, विपक्ष के महागठबंधन पर चर्चा होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा आरक्षण खत्म करने की किसी में ताकत नहीं, हम हर कुर्बानी देने को तैयार। और तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।